हेलो चिल्ड्रन, मैं भय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक्सेलेटर से बटरफ्लाई का चित्र बनाना सिखाएंगे, यानी तितली का चित्र। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से, बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको जो है एक्सेलेटर से बटरफ्लाई का चित्र यानी तितली का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाना आ जाएगा। यहाँ पे आप पहले तो एक बड़ा सा पेज के बीचों बीच में आपको एक ऐसे एक्स लिखना होगा प्यारे बच्चों। एक्स लिखने के बाद अब आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगर आपको जो है बटरफ्लाई की स्पेलिंग आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बटरफ्लाई की स्पेलिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊँ तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा देंगे प्यारे बच्चों। एक्स लिखने के बाद अब देखिएगा कैसे बनेगा, तो ये इसको जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो गया हमारा, फिर इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक हाफ सर्किल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ तक तो सभी बच्चे कर सकते हैं। एक बड़ा सा एक्स लिखना है आपको, इसके बाद हाफ सर्किल ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों। हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे आप ऐसे थ्री लिख दीजिए, एक थ्री यहाँ पे लिख दीजिए, एक उल्टा थ्री आप यहाँ पे भी लिख दीजिएगा। एक्स एक्स हो गया, हाफ सर्किल हो गया, एक उल्टा उल्टा थ्री हो, सीधा थ्री हो गया, एक उल्टा थ्री हो गया प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद अब देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक सीधी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, एक सीधी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारे बच्चों आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे घुमा देना है इसको, फिर सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे। घुमाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे भी इसी तरह सेम प्रोसेस आप रिपीट कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। सेम प्रोसेस रिपीट करने के बाद अब देखिएगा जो एक्स का ऊपरी वाला हिस्सा है यहाँ पे अब आपको करना है प्यारे बच्चों, यहीं पे मेन पॉइंट है प्यारे बच्चों, यहीं पे आपको ध्यान देना है, आपको जो है बटरफ्लाई का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाना आ जाएगा। इसको हमें को जो है ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना होगा, यहाँ से ऐसे ले जाइए, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे अंदर की तरफ कर देना होगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आप हमें बटरफ्लाई की स्पेलिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप हमें जो है बटरफ्लाई की स्पेलिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद यहाँ तक हो जाने के बाद यहाँ से आपको ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा, इसके बाद यहाँ पे कर दीजिएगा, फिर इसको हमें ऐसे डबल कर देना होगा प्यारे बच्चों। डबल करने के बाद इसको जो है ऐसे नीचे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे मिला दीजिएगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद आप देखिए थ्री का क्या यूज करना है, यहाँ पे ऐसे करिए, इसको ऐसे ऊपर की तरफ करिएगा, यहाँ पे भी कर दीजिए, ये हो गया। अब जो यहाँ पे जो थ्री का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है, आगे की तरफ निकला हुआ है, इसमें सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे, ये हो गया हमारा बटरफ्लाई का चित्र बनके तैयार। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आप जो है बटरफ्लाई को कलर करके ज़रूर देखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो जाने के बाद इसके बाद हम यहाँ पे आई और माउथ बना देंगे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा बटरफ्लाई का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो गया है।